नमस्ते। नमस्कार। आज इस प्लैनेट टॉक लाइव सेशन में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके क्रियान्वयन पर देश भर से सुझाव ले ही रहे हैं, और आज हम इस प्लैनेट टॉक लाइव सेशन में श्री शिव स्वरूप शर्मा जी, जो कि स्नातक बीएड हैं और उन्हें शिक्षा में 41 वर्ष का एक लंबा अनुभव है। वर्तमान में आप सरस्वती विद्या मंदिर जसपुर के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। शिव स्वरूप जी, इस प्लैनेट टॉक लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। 34 वर्ष बाद इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आना निश्चित ही एक हर्ष का विषय है, और वर्तमान में देश भर पर इसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा चल रही है कि इस शिक्षा नीति तो आ गई है, मोदी सरकार द्वारा इस कैबिनेट में इसको पास भी कर दिया गया है, परंतु इसका क्रियान्वयन निश्चित ही राज्य सरकारों के द्वारा ही होना है, परंतु एक केंद्र सरकार द्वारा इसकी गाइडलाइंस के ड्राफ्ट की वेट की जा रही है। आपसे इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और सभी ऑनलाइन यूजर्स का भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। शिव स्वरूप जी, पहला प्रश्न यह है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें सभी बिंदु निश्चित ही अच्छे हैं, परंतु ऐसा कौन सा कुछ मुख्य बिंदु आपको लगते हैं जो कि निश्चित ही कुछ एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं शिक्षा में? जी शिव स्वरूप जी। देखिए, जैसी अभी तक शिक्षा नीति चल रही थी, जी बहुत लंबे समय के बाद में इसका परिवर्तन हुआ है। और इसमें जी कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे को लगती हैं, अन्य लोगों से भी वार्ता होने के बाद जो एक निष्कर्ष निकला है कि इसमें एक सिस्टमेटिक जो एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिनकी ओर अभी तक ध्यान बहुत होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिया गया उन पर। तो उसमें से पहला जैसा लगता है कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में हमने जो 5-3-3+4 ये जो एक व्यवस्था दी है कि जी इसमें एक से तीन से एक से तीन जो बच्चे रहेंगे, फिर कक्षा 1-2, फिर 3 में कक्षा 3 और 4 आ गए, 4-5 आ गए, फिर छः जी सात आठ और 9 से 12। तो ये जो एक सिस्टमेटिक शिक्षा की जो एक व्यवस्था इसमें दी है, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बच्चों को रहने वाली है। दूसरा, जी इसमें जो बुनियादी जो साक्षरता है जी कि जो साक्षर सबको होना चाहिए, इसके ऊपर जो इन्होंने ध्यान दिया है, और ये भी हमको बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। अगली बात इसमें आई है कि बहुभाषा बात जो, और भाषा की शक्ति पर जोर दिया है कि जो जी बहुभाषा अनेकों भाषाओं में जो उनको शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो दिया है। और उसमें एक बड़ी बात ये है कि जो छोटी क्लासों में, जिसमें अभी तक हम उसको बच्चे को बस्ता इतना भारी बस्ता कर दिया, अनेकों भाषाएं उसमें दे दी हैं, अनेकों सब्जेक्ट उसमें दे दिए हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो भ्रमित है। तो अब इस नई शिक्षा नीति में जो ये आया है कि उसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उसको शिक्षा दी जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जब बच्चा अपनी मातृभाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, तो वो जब बड़ा होकर के अगली क्लास में जा करके अन्य भाषाओं को भी आसानी से वो सीख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी दूसरा है कि जो विनिमय है, जैसे वित्त पोषण की जो व्यवस्था इसमें दी है कि जैसा कहा गया है कि कुल अपनी GDP का 6% जो है उसमें व्यय करना है, जो कि अभी तक बहुत ही कम है, 4.43 शायद ऐसा परसेंटेज उसकी है, लेकिन 6% उसमें आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें एक तो बड़ी बात ये भी है कि जो संबंधित व्यक्ति है या संबंधित संस्था है या जिसको वो लाभ पहुंचना है, जी उसको वो लाभ पहुंचे। तो ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि इसमें जब वहां तक पहुंचेगी तो वो स्वतंत्र होकर के अपने काम को कर सकता है, और जिस उद्देश्य से हम ये खर्च कर रहे हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति होती वो दिखाई देगी। उसमें भले स्वतंत्र का यह है, कुछ अलग अलग कोई चीज है, तो उस पर भी हमारा ये ध्यान दिया है।
दूसरी चीज इसमें जो नई शिक्षा नीति में एक मेरे को महत्वपूर्ण लगी है वो व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा में जो एक प्रारंभ से ही उनको लेकर के हम चलेंगे, तो जी जो आज जो ये नौकरी की हाहाकार मची है कि साहब नौकरी नहीं नौकरी नहीं नौकरी नहीं, तो बच्चा जो भी बालक है वो पढ़ करके वो अपने को आत्मनिर्भर बन सकता है। तो इस शिक्षा का जो वोकेशनल शिक्षा का जो इसमें एक प्रावधान दिया है कि इतने वर्षों के बाद इस क्लास के बाद में जो वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इसका भी लाभ सबको मिलने वाला है। जी जी सर जी दूसरा तो इसकी ये नई शिक्षा नीति है, इसका सार यही है कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में एक विजन क्या है इसकी चर्चा है। दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा ये तय करेगी, ऐसा मेरा मानना है, जो कि एक क्रांतिकारी फैसला है। जी आपने मुख्य बिंदुओं की चर्चा की कि यह एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पे सरकार आगे अपना एक जी इंप्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट भी जारी करेगी। जी शिव सरूप जी, आपको क्या लगता है कि इंप्लीमेंटेशन में क्या बिंदु रहने चाहिए और क्या हमें इसमें समस्या आने वाली है इंप्लीमेंट करने में, जैसे संसाधन हो गया, अर्थ हो देखिए गया? जी जी, दरअसल मेरे हिसाब से व्यवस्था तो ये कुछ पहले ही शिक्षा नीति में भी कुछ रही होगी ऐसी, उसकी जानकारी पूरी तो मेरे को नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी है कि देखने में सुनने में जो ये सामने आता है कि भी कोई व्यवस्था लगती है उसमें विशेष रूप से हम मानते हैं कि जैसे कोई प्रशिक्षण है, तो प्रशिक्षण किस बच्चों के लिए प्रशिक्षण है, क्योंकि तो एक बाल केंद्रित शिक्षा है ऐसा माना गया है, तो जिसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, मेरा मानना यह है कि वहां तक वो शिक्षा का जो प्रशिक्षण है वो पहुंच नहीं पा रहा है। उच्च स्तर पर तो सारे प्रशिक्षण होते हैं, लेकिन उस स्तर पर जिस तरीके से वो लागू होना चाहिए उस लागू होने में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है। वैसे ही वित्त का है कि पैसा तो भेजा जाता है, लेकिन पैसा वो व्यक्ति व्यय कहाँ हो रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है पैसा या नहीं जा रहा है, तो इसकी भी एक हमको जांच करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ जो प्रशिक्षण वाली व्यवस्था इसमें दी है कि जो एक शिक्षा में एक वो भी दिया है कि जो एक शिक्षा का स्टेप बाय स्टेप उसमें दिया है कि पहले क्या था कि कोई पढ़ रहा है पढ़ते उसने छोड़ दिया, तो छोड़ करके फिर नए सिरे से शुरू करता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में उसको एक स्थान दिया है कि भी 1 साल कोई पढ़ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ उसका डिप्लोमा ये सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, फिर डिप्लोमा देंगे, फिर डिग्री देंगे, और एक सघन प्रशिक्षण जो उसका है कि जो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में आने लायक है उसकी योग्यता में निखार करना। और ये सरल काम नहीं है, क्योंकि आज सब लोग शिक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं, सब और लगे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं किस दशा में आते हैं, विद्यालय में जो शिक्षक लेते हैं हम समाज से सब्जेक्ट के हिसाब से, और डिग्री में तो वो बड़े अच्छे स्कॉलर रहे हैं, लेकिन जब व्यवहारिकता में उनके सामने बात आती है तो वो कहीं टिक नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें रख करके और अपने एक एक चीज पर ध्यान देना, कहना कि इसके वाचिंग करनी बहुत जरूरी है, और उसमें जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन वाली ऐसी व्यवस्था इसमें दी हुई है और उनको प्रोत्साहित किया जाए, और जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उनके विपरीत चलते हैं तो उनको इनसे अलग किया जाए और उनको दंडात्मक प्रावधान इसमें होना आवश्यक है मेरी दृष्टि से। जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं शिव स्वरूप जी। जी कोविड का समय गया गया और चल भी जी रहा है, परंतु जी वैक्सीन के बड़े नजदीक हैं हम लोग भी। जी कोविड के समय टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने भरपूर उपयोग किया ही है। जी आज से 5 वर्ष पूर्व जब एक पृथ्वी कुल संस्था द्वारा दिखाई जाती थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा पॉसिबल है, परंतु जब एक जी स्वप्न दिखता था, परंतु कोविड जी ने यह कर दिखाया कि और टेक्नोलॉजी दिखा से और घर बैठे दूर से ही, मतलब आप अपने जी स्थान पर रहे, छात्र अपने स्थान पर रहा, पर जी शिक्षा दी गई और आपके जी बहुत अच्छे आपके विद्यालय ने कार्य इस समय किया भी है।
कैसा अनुभव रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, ये एक शुरू में जब सम्मेलनों में जाते थे तो आपके द्वारा एक बात रखी गई थी कि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में एक स्वप्न जैसा लगता था कि कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये ईश्वर की महिमा, COVID-19 आया, उसमें हम सबको इस ओर अग्रसर किया और सब लोगों ने उसको सीखने का प्रयास भी किया, तो इसमें हम भरपूर उपयोग तो उसका नहीं कर पाए, जिसका कारण कई कारण रह सकते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि मैं अपने विद्यालय के बताता हूँ कि जितने बच्चे हमारे थे तो हमने ये पहले कराया कि ऑनलाइन शिक्षण हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये करेंगे, लेकिन जब उसको लागू किया गया तो उसमें देखने में आया कि बच्चे जो उसमें जुड़ने के इच्छुक थे वो कम दिखाई दिए। यहाँ तक कि 60 बच्चों की क्लास में हमको 10, 12, 15, मैक्सिमम 15 बच्चे उसमें जुड़े। शेष की जानकारी ली भी, बाकी क्यों नहीं जुड़ रहे, उनको आग्रह किया, मैसेज डाले, बातचीत की फोन से, तो उसमें कुछ की समस्या तो ये आई कि भाई फोन हमारे घर में एक ही है और पिताजी नौकरी पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो वो फोन लेकर के चले जाते हैं। दूसरी समस्या आई कि सारे बच्चों के पास वो फोन उपलब्ध भी नहीं है, टच वाले जो ये स्मार्टफोन है वो सबके पास नहीं है, सबके पास कोई वो कीपैड वाले फोन है, तो उनको तो फिर हमने ये तय किया कि भाई हम पढ़ा तो रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ सब बच्चों को पहुंचे, यानी कि 1 से 60 बच्चों तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा 15 तक ही पहुंच पा रहे, तो क्या करें। तो फिर हमने दूसरा सहारा लिया कि व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र ऐसा बनाइए, और उससे पहले एक चीज और ली हमने कि वीडियो अपने बनाइए छोटे छोटे और वीडियो डालिए उनको, लेकिन वीडियो डाले तो वो 50% तक पहुंचे, ये 50% फिर भी अछूते रहे। तो फिर उनको ये कहा कि भाई चलो इनको एक प्रश्न बना करके उनके आंसर लिख करके उस तरीके से उनको भेजा जाए, कम से कम बच्चा देख करके काम करेगा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि करीब 30% है मेरे यहाँ पर अपने स्थान पर अब भी ऐसे बच्चे हैं कि जो कीपैड फोन वाले हैं, तो उनको अब हमने ये ऑनलाइन एग्जाम भी कराया, 6, 7, 8, 9, 11 कक्षाओं का ऑनलाइन किया। तो अभी मैं उसी में लगा था कि भी कितने बच्चों की कापियाँ हैं, कितने, जबकि ये परीक्षा घर पर होनी थी, उनको भी सुविधा वो जैसे भी करें, लेकिन उसके बाद भी अभी करीब ये 25 से 30% तक बच्चे ऐसे आ रही संख्या कि जिनको हमें पेपर सेट बना करके फिर उनके घर पहुंचा रही। छोटी कक्षाओं में हमने हर एक बच्चे को सेट बना करके घर में पहुंचाया, क्योंकि परीक्षा करानी भी आवश्यक। तो सबसे बड़ी समस्या ये रही, जैसे कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में इसके अंतर्गत कई ऐसे उपकरण, कई व्यवस्था भी दी है, जैसे ये दीक्षा चैनल है या और कोई चैनल स्वयं प्रभा है, तो इसके आधार पर भी, लेकिन उसका भी उपयोग बच्चों ने पूरी तरीके से किया नहीं। तो इसके लिए जो ये कुछ समस्या है, मेरा एक एक सुझाव ये है कि भाई जब ग्रामीण क्षेत्र में हम अधिकतर बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ के या बाकी स्थानों के भी, अब सबके पास टीवी तो है, लेकिन सब में टीवी में देखने वाले परिवार के अन्य सदस्य तो अलग अलग उनकी रुचियां हैं और बच्चों को वो चैनल देखने को नहीं मिलता, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जैसे कि सार्वजनिक संस्था या ये ग्राम पंचायत है या कोई वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था करके कि वहां पर कोई वो साधन उपलब्ध करा करके, जैसे सेट होते हैं, वीडियो सेट होते हैं, टीवी सेट है, डिश एंटीना लगे होते हैं, तो उनको ऐसी व्यवस्था बना करके ये कुछ अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए कि भाई कम से कम ये इतने घंटे उस टाइम टेबल के हिसाब से ये बच्चों के लिए है, तो बच्चे आकर के वहाँ कुछ ये काम करें, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा ये कि स्मार्टफोन जैसी अभी व्यवस्था शिक्षा नीति में दी हुई है कि भाई लैपटॉप, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन शिक्षण ये तभी संभव है कि दोनों तरफ से ऑडियो वीडियो इसकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कोई भी इसका लाभ ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था करके उन छात्रों का वो चीज़ें पहुँचे, लैपटॉप नहीं पहुँचेंगे, फ़ोन पहुँचे या अन्य कोई ऐसे कोई साधन उपलब्ध करा करके और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो COVID-19 के समय में जो ऑनलाइन शिक्षण जो भी चला है, लाभ तो इसका है, क्योंकि बच्चा घर में बैठा है, घर
घर में कुछ नहीं कर रहा, खेल रहा है, कूद रहा है, कम से कम उसको ऑफलाइन भी अगर काम गया है तो उसको देख करके उतारेगा तो सही, वो कॉपी में तो बनाएगा, इसका लाभ तो निश्चित मिला है। लेकिन जो लाभ भरपूर मिलना चाहिए था वो लाभ मैं समझता हूँ कि मिला नहीं। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं शिव स्वरूप जी। जी बहुत स्पष्ट बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि ई शिक्षा पर जी जोर, कोविड के समय देखा भी गया है। पृथ्वी कुल जी द्वारा एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बदलना पड़ेगा, पूरा देखकर कि कैसे जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विद्यालय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो या कितनी जी टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में सहायता कर सकती है। जी आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है, आपको क्या लगता है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी में ये बिंदु होने चाहिए, क्योंकि आपने उपयोग किया है कोविड के दौरान, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, आपके हमारे लिए वो बेसिकली सुझाव है कि हमें किन बात आगे काम करना चाहिए जी, किन बिंदुओं पर काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में ये आना चाहिए जी। जी देखिए, इसमें मेरा एक ये जो मेरी जहाँ तक मेरी समझ है मैं बता रहा हूँ कि उपयोग तो हमने इसका किया है और कर रहे हैं, धीरे धीरे सीखे भी हैं, पहले कुछ नहीं आता था, आज बहुत कुछ सीखे हैं। और शिक्षक को भी ये सीखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा हूँ तो मुझे इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज कि वो उसके अंदर ये भावना जागृत हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक जैसे विद्या भारती के द्वारा ये पृथ्वी कुल के द्वारा जो प्रयास चल रहा है इसका कई विद्यालय लाभ ले भी रहे हैं, लेकिन सारे विद्यालय उसका लाभ अभी नहीं ले रहे हैं। तो इसमें कम से कम हमें ये करना चाहिए कि विद्यालय के अंदर एक ऐसी लैब जो है विकसित की जाए और इस पर एक कहना चाहिए कि प्राथमिकता दे करके ये करवानी ही चाहिए। और जैसे अभी तो COVID-19 का समय है, सामान्य समय में जब विद्यालय क्लासें लगती हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी हमको सप्ताह में, महीने में, अगर डेली नहीं कर सकते सप्ताह में कुछ ऐसी व्यवस्था हमको ये करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को उसके सामने बैठाया जाए, उनको इस बात की जानकारी दी जाए, उनको ऑनलाइन क्लास क्लास रूम में ना हटा करके जो एक निश्चित रूम हमने लैब बनाई है उसके अंदर बैठा करके उनका ये अगर हम करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरा एक इसमें बिंदु ये होना चाहिए कि कुछ ऐसे जो कहना चाहिए कि प्री लोड कोई ऐसे सिस्टम जैसे कोई चिप्स हो सकती है, कोई ऐसा अन्य साधन हो सकता है। पहले तो डिश चलती थी, ये सीडी चलती थी, अब सीडी का तो जमाना गया, अब तो चिप है। तो चिप लेवल पर ऐसी प्री लोडेड चीजें ये उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो उन बच्चों तक या उन जो भी उनका ये कहना चाहिए विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए और शिक्षक को भी पहुंचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ टेक्नोलॉजी का होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे जब गर्वमेंट व्यक्ति लगे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें और चिंतित है वो। लेकिन उसका लाभ, फिर मैं पुनः एक बात वही दोहराऊंगा कि जहाँ वो लाभ पहुंचना है, जैसे एक इस विषय का नहीं है लेकिन टॉपिक में भेजता हूँ कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ये जो व्यवस्था की है कि पहले कोई चीज पैसा भेजा जाता था किसानों के लिए या मजदूर के लिए तो मजदूर को मिलता कहाँ था, लेकिन एक व्यवस्था उन्होंने बनाई कि सीधे उसके खाते में जाएगा तब तो उसको लाभ मिल गया। तो जिस जो बिचौलिए या जो चीज ऐसे व्यक्ति थे उनको तो कष्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि उनकी तो दुकान बंद हो रही है, लेकिन इसका डायरेक्ट लाभ उस जिसकी कहना चाहिए जिसको आवश्यकता है उसको मिल रहा है। तो वही मेरा इसमें शिक्षा क्षेत्र में भी हम ऐसी चीजें उपलब्ध करा कर और उस बच्चे तक वो पहुंचाए शिक्षण प्रशिक्षण जो भी है, क्योंकि सब कुछ है तो बच्चों के लिए ही, हम बड़े बड़े सब शिक्षा प्रशिक्षण ले आए हैं लेकिन अब छोटे जो जिस जो डायरेक्ट मोर्चे पर है उसका प्रशिक्षण, उसको वो सुविधाएं देना, मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है, तभी वो इसका भरपूर उपयोग कर सकेगा। जी जी, आपने अपने मूल्यवान सुझाव दिए और सभी सुझावों को नोट किया है और कोशिश करेंगे कि जो हम अगले सत्र से पूर्व एक नया वर्जन लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन का, जी उन
आपके सभी सुझाव उसके अंदर क्रियान्वित हो। आपने अपना बहुत मूल्यवान समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार।